13 दिसंबर को देश के संसद में जो घटना हुई बहुत निंदनीय थी और उस पर समूचा विपक्ष एक स्पष्टीकरण चाहता था और हम चाहते हैं कि इसके तह तक पहुंचा जाए कि इतना बड़ा जो लैप्स हुआ सिक्योरिटी में, देश का हमारा लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें लोग घुस रहे हैं, इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, वो स्मोक बम्ब फेंक रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा था। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार का स्पष्टीकरण चाहता है और बिल्कुल ये अधिकार भी हम सभी साथियों सांसदों का है कि वो हकीकत तक पहुँचे। और सरकार, सांसद अगर जवाब मांगते हैं, स्टेटमेंट मांगते हैं, तो लगातार उनको सस्पेंड करने का जो क्रम चला हुआ है, ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा संकेत है। आज भी 2 सांसदों को सस्पेंड किया, 150-150 सांसदों को आप अगर लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर देंगे तो क्या संकेत देना चाह रहे हैं? इस प्रकार का जो रवैया है और जो आचरण है केंद्र सरकार का, वो मैं समझता हूँ बहुत नकारात्मक है। और उसी के विरोध में आज हमारी विधानसभा के अंदर जब आज हम सब लोग शपथ ले रहे थे तो समूचे कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने अपने हाथ पे काला पट्टा बांधा था। एक सांकेतिक विरोध हम लोगों ने किया क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सब लोगों को है और जो लोग चुनकर गए हैं अलग अलग पार्टियों के लोग और समूचा विपक्ष को, ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, सभी विपक्ष के सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं, जवाब मांगते हैं, सदन पर डिस्कशन नहीं होता और उसके बाद जिस प्रकार का रवैया सरकार का रहा, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ही गलत है। और लगातार सांसदों को सस्पेंड करना, मुझे लगता नहीं कि इतिहास में कभी इतने सारे सांसदों को इकट्ठा एक बार सस्पेंड किया होगा। तो ये जो हो रहा है, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। अपनी बात बोलने की आज़ादी लोगों को होनी चाहिए और विपक्ष, वो चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त हो जाए संसद, वो संभव नहीं है। तो ये जो रवैया है उसके विरोध में आज हम लोगों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी है, उसका विरोध किया है।